नमस्कार। एक अनदर शेयर की बात करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गिरावट देखने को मिल रही है। 11 मार्च 2024 को एक अपडेट आ रहा है, न्यूज़ आ रही है, जिसके कारण ये स्टॉक लगभग 1 से 2% गिरा है। 774 में स्टॉक प्राइस है 11 मार्च 2024 को। तो जो अपडेट है, जो न्यूज़ है जिसके कारण शेयर प्राइस गिरा है, उसकी बात कर लेते हैं इस वीडियो में, और शेयर प्राइस के अनुसार भी बात करेंगे आगे शेयर प्राइस कैसा रह सकता है। SBI की बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, PSU बैंक है, एक बड़ा बैंक। शेयर में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है 2024 के स्टार्टिंग में। जनवरी के मंथ में ये 600 के आसपास था, अब 600 से बढ़कर ये 793 तक पहुँचा था, 800 क्रॉस नहीं किया, और आज के दिन स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। तो जिस खबर के कारण ये गिरा है उसकी बात सबसे पहले कर लेते हैं। SBI में जो गिरावट देखने को मिल रही है, तो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स मामले में SBI को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। देखिए, ये 2019 में राजनीतिक दलों द्वारा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को बनाया गया था, जिसकी समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने के लिए अनुरोध किया था SBI ने कोर्ट से, लेकिन कोर्ट ने ये अनुरोध को खारिज कर दिया है, जिसके कारण स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। और समय कम दिया है, 15 मार्च तक का समय दिया है। 15 मार्च तक इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स का जो डिटेल है उसको अपने वेबसाइट पर पब्लिश करना होगा। तो देखना पड़ेगा कि आगे किस तरह की खबरें आती हैं, और ये जो मामला है कोर्ट में चल रहा है, तो इसी के कारण ये स्टॉक आज गिरा है। और SBI शेयर की बात कर रहे हैं, तो पिछले जनवरी से ज़बरदस्त तेज़ हुआ है, और 793 इसने हाई बनाया, 800 के ऊपर नहीं गया। तो आने वाले दिनों में इसके चौथी तिमाही के नतीजे आएंगे, उसमें देखना पड़ेगा कि जो इंटरेस्ट अर्न इनकम क्या रहती है, प्रॉफिट क्या रहता है, ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए क्या रहता है। तो आगे आने वाले दिनों में खबरों में बना रहेगा। जिनके पास SBI है पिछले 2-3 साल में, जिन्होंने पिछले 2-3 साल से ले रखा है 400, 200, 300, तो स्टॉक अभी 800 के आसपास तक पहुँच गया, और ये जो खबर बनी हुई है इसका भी समाधान होगा, तो स्टॉक फिर तेज़ होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये अपडेट है SBI के बारे में। इस तरह की जानकारी के लिए, शेयर बाज़ार की जानकारी के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।